हाय एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। ये वैक्सिंग का काम देखिए, बहुत ही लॉन्ग हेयर हैं और लॉन्ग हेयर में हैंड वैक्सिंग किस तरह से करनी चाहिए प्रॉपर वे में, हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए। और ये लॉन्ग हेयर आप देख रहे हैं, 1.5 इंच के करीब लंबे बाल हैं ये, और तिरछे डायरेक्शन में है। वैक्सिंग से पहले ये देखिए, हम आपको बता दें कि चॉकलेट वैक्स से वैक्स करने जा रहे हैं, और ये चॉकलेट वैक्स काफी अच्छा है और हेयर रिमूवल के साथ साथ टैनिंग रिमूव भी होती है। और ये सबसे पहले पाउडर लगाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर स्किन पर ऑयल है या पसीना है तो पाउडर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है और हेयर स्किन से अलग हो जाते हैं, इसलिए पाउडर का यूज करते हैं। अब चॉकलेट वैक्स को वैक्स हीटर में गुनगुना किया है और गुनगुने वैक्स को इस तरह से लगाएंगे। पार्लर में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, जो हमारे बिगनर्स हैं, तो आप छोटे छोटे स्ट्रोक में वैक्स लगाएंगे और फिर वैक्सिंग करेंगे। यहाँ देखिए, अगर प्रैक्टिस है तो बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रोक में बिल्कुल लगाया है और वैक्स को अप्लाई किया है, और फिर देखिए बड़ी आसानी के साथ में ये वैक्सिंग का काम हो रहा है। आप देखेंगे कि फटाफट ये इतने लंबे हेयर जो कल्पना से परे हैं, एक अनुभव से परे हैं इतने लॉन्ग हेयर, क्योंकि मेरी क्लाइंट फर्स्ट बार हैंड वैक्सिंग का काम करा रही हैं, तो काफी परेशान भी हैं। और हमने यही बताया कि आप परेशान मत होइए, ये वैक्स करने का तरीका देखिए, बिल्कुल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेप को लगाते हैं प्रेस करके, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्टेप को खींचते हैं तो पेन भी कम होता है और हेयर जड़ से रिमूव होते हैं। रीका वैक्स हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरी क्लाइंट को कम पैसों में ही वैक्सिंग करानी है, तो क्लाइंट की चॉइस के अनुसार ही हमको वैक्स को लेना होता है। तो यहाँ हमने चॉकलेट वैक्स को यूज किया है, और देखिए आप कि एक बार सारे हेयर बिल्कुल निकल गए हैं, लेकिन कुछ अगर हमको दिखाई देता है कि दो चार हेयर बाकी रह गए हैं, या छोटे हेयर डायरेक्शन अलग है, वो हेयर रह गए हैं, तो हम दोबारा भी वहाँ वैक्स को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पतली लेयर जितनी वैक्स की लगेगी उतना अच्छा काम होगा। और आप देख रहे हैं कि लॉन्ग स्ट्रोक में ही वैक्स को अप्लाई किया और इस तरह से स्ट्रिप को प्रेस करके अपोजिट डायरेक्शन में हमने स्ट्रिप को खींचा है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल आप इन हेयर को देखकर घबराइए नहीं, हम ये कहना चाहते हैं। कई बार क्या इस तरह के हेयर होते हैं, हमारे पार्लर में भी स्टूडेंट हैं, तो वो ऐसे हेयर को देखकर काफी घबरा जाते हैं, शॉकिंग होते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि घबराइए नहीं, हेयर का डायरेक्शन देखिए। और दूसरा, ग्रोथ इस तरह की है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं तो छोटे छोटे स्ट्रोक में वैक्सिंग का काम करें, जिससे कि काम भी हो जाए और फिर आपका परेशानी का जो मुद्दा है कि लॉन्ग हेयर में कैसे वैक्सिंग करें, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल गुनगुना वैक्स को अप्लाई करिए, पतली लेयर लगाइए और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स की स्टिप को यूज करके अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। तो ये वैक्स करने का तरीका है लॉन्ग हेयर में। और ये देखिए, यहाँ उंगलियों के पास में बिल्कुल भी हेयर नहीं है, थोड़े से फिंगर पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये फिर भी हम टैनिंग रिमूव करेंगे, इसलिए यहाँ वैक्सिंग का काम जरूर करना चाहिए। आपने देखा कि एक ये तो नहीं कह सकती मैं अपनी क्लाइंट के लिए कि काफी ग्रोथ के साथ में इनके हेयर दिखाई दिए हैं, जो कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी जो क्लाइंट है काफी डरती थी, इसलिए कभी इन्होंने वैक्सिंग का काम नहीं कराया। और हमने यही सजेस्ट किया कि आप बिल्कुल कराइए, कोई दाने नहीं होंगे और कोई किसी तरह की स्किन जलने वाली बात या पेनलेस वैक्सिंग का काम होगा, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं और हेयर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं।
उसी के स्किन के अकॉर्डिंग अगर हम वैक्स को लेते हैं तो बिल्कुल हमारा काम अच्छा होगा, हेयर जड़ से रिमूव होंगे, और फ्लेक्सिबल वैक्स को अगर यूज करेंगे तो बिल्कुल पेनलेस वैक्स होगा वो। ये देखिए पूरे हैंड पर आप देख रहे हैं कि बड़ी फुर्ती से ये काम हो रहा है, लेकिन आप अगर बिगनर्स हैं तो बिल्कुल इस तरह के लॉन्ग स्ट्रोक में बिल्कुल वैक्स नहीं लगाएं, छोटे छोटे स्ट्रोक में वैक्स को अप्लाई करें और धीरे धीरे आराम से वैक्सिंग का काम करें। ये देखिए पूरे हैंड पर बातों ही बातों में हैंड वैक्सिंग का काम हो गया एक हैंड पर। और अब ये डिटॉल वाले पानी से, गुनगुने पानी से हमने वॉश किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम होना शुरू हो गया है हमारे जयपुर में। और ये देखिए वॉश करने के बाद में स्किन को खुला नहीं छोड़ेंगे, मॉइस्चराइज किया है। यहाँ कोई भी आपके पास मॉइस्चराइजर है उसको आप यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो टोनर भी यूज कर सकते हैं। ये पोर्स पैक करने के लिए हमको मॉइस्चराइज स्किन को करना होता है, पोर्स पैक करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए सेकंड हैंड की वैक्सिंग होने जा रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लैकनेस स्किन पर दिखाई दे रही है, और हेयर तो लॉन्ग है ही लेकिन साथ में ब्लैकनेस भी बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब देखिए ये बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रोक में ही आपको वैक्सिंग का काम करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले छोटे छोटे स्ट्रोक में हमने करके बताया था आपको, और आज इस तरह से ये लॉन्ग हेयर में वैक्सिंग का काम हो रहा है, और कोई झिझक वाली बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो हम करेंगे, जो रूल्स हैं वैक्सिंग के उनको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैक्सिंग का काम अच्छा होगा। फ्रेंड्स हमारे काफ़ी सारे ढेर सारे वीडियोस हैं इस हैंड वैक्सिंग के हैं, फेस वैक्सिंग के हैं, बैक एरिया पर वैक्सिंग के हैं, इसके अलावा अपर लिप वैक्सिंग के हैं, और ये लेग वैक्सिंग के हैं, अंडर आर्म्स के हैं, तो काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे हैं, और कमेंट्स के जरिए आप बिल्कुल अपने जो विचार हैं हमारे तक पहुंचाने का काम करते हैं, और हम जहाँ तक है आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। अभी थोड़ी तबीयत हमारी नाजुक होने के कारण हम आपके सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और बहुत ही जल्दी आपके लिए लगातार हम वीडियो लेकर आए हैं, काफ़ी जो धीरे धीरे पोस्ट करते हैं, और आप देखिएगा अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और वीडियो पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट रहती है कि बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब का काम जरूर करिए, जिससे कि आप हमारे वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकें और हमारी प्रोग्रेस के लिए एक सीढ़ी बना सकें। आप देखिए कि आपके थोड़े से काम करने से, लाइक एंड शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी अगर प्रोग्रेस जुड़ी हुई है तो शायद आपको अच्छा ही लगेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी ही अच्छे से आपको लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो होगा हेयर कटिंग का जो आज के बाद में। तो ये देखिए सेकंड हैंड का वैक्सिंग का काम भी बहुत जल्दी होने जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हेयर का डायरेक्शन तिरछा है तो वहाँ स्ट्रिपो तिरछा लगाया है, कहीं डायरेक्शन इस तरह से है बिल्कुल स्ट्रेट है तो वहाँ स्ट्रेट स्ट्रिप को लगाया है, और यहाँ देखिए हथेली के पास कोई भी इस तरह के हेयर ज़्यादा नहीं है, थोड़े तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी टैनिंग रिमूव होती है। और वैक्सिंग के हम फायदे आपको बताते हैं हर बार कि वैक्सिंग का काम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है, और जो हमारे हेयर होते हैं अनवांटेड हेयर होते हैं, जो जिनसे हमारे अट्रैक्शन में कमी आ जाती है, या फिर खुद को भी जो फीलिंग होती है वैक्सिंग के बाद में एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग होती है कि फ्रेशनेस हमको फील होता है। और इसके अलावा देखिए और लोग जो देखते हैं हमारी बॉडी को, हैंड्स सबसे पहले दिखाई देते हैं, लेग से भी पहले, तो ये सब अगर वैक्सिंग के काम से हमारा रूप निखर सकता है
तो बिल्कुल हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। और वैक्सीन का काम कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी तरह की ये नहीं है कि अगर हमने एक बार कर लिया तो बार बार करना होगा। और केमिकल को कम से कम यूज करें वैक्सीन से, कोई किसी तरह की स्किन ब्लैक नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, टैनिंग रिमूव होती है, हेयर जेल से रिमूव होते हैं और स्किन हमारी शाइन करती है। और ये देखिए सेकेंड हैंड को भी वॉश करके मॉइस्चराइज किया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत तब तक के लिए आप सुविधा लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।